For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Big Boss ke ghar mein सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को हर बार कुछ ना कुछ कहते नजर आते हैं, लेकिन इस बार आसिम ने जो कहा है उस पर घरवालों के घरवालों ने यानी कि शिफाली के हस्बैंड पराग त्यागी ने एक सॉलिड रिएक्शन दिया है। वेल, जिस तरीके से बहस में आसिम ने ये बात कही कि कोई आया था ना तेरा नल्ला, तो आप हाथ रखकर इतनी घटिया बात कर रहे हो। अगर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर सिद्धार्थ उमेर को फाइट में बीच में लेकर आए थे कि एक तेरा भाई था जो सबसे बड़ी गलती था और फिर तू था सबसे बड़ी गलती, तब आसिम ने कहा था कि आप मेरे साथ गेम में हो, आप मुझसे बात करो, आप मेरे बात करो, आप मेरे भाई पर मत जाओ। सेम चीज आसिम ने भी की। अब आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पर आसिम? सेम चीज आपने भी करी, आपने शिफाली के हस्बैंड पराग त्यागी को क्यों बोला? वो भी वो इंसान जो आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। जी हाँ, यही रिएक्शन पराग ने भी दिया है, जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। पराग ने एक वीडियो डाला है जहाँ पर उन्होंने ओपन चैलेंज किया है आसिम व्यास को। पहले तो आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। इतना गिर जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी बॉस। क्या बोला तुमने आज मेरी परी को? कि आया था ना कोई तेरा नल्ला मुंह पे हाथ रख के। हाँ, किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आया था, तुम्हारे लिए वो मैसेज लेके आया था जो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। उसकी बात कर रहे हो, वो छोड़ो, नल्ले की बात कर रहे हो ना तुम। आया था ना कोई तेरा नल्ला, ये पराग त्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चौधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को। अगर पराग त्यागी को थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी अगर मुझे मौका मिला ना बिग बॉस के घर में जाने का, तो मैं बता दूंगा कि असली नल्ला कौन है। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है वो, लेकिन बिग बॉस जिंदगी भर तो चलने वाला नहीं है बॉस, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। 3 हफ्ते की बात है सिर्फ, 3 हफ्ते। पराग त्यागी प्रॉमिस कर रहे हैं, बिग बॉस खत्म होने के बाद बिग बॉस के सेट पे मिलूंगा और बताऊंगा कि असली नल्ला कौन है। अगर नहीं बताया ना तो मेरे मुंह पे थूक देना, मुंह पे। अरे मुंह पे हाथ रख के बोलता है आया था ना कोई तेरा नल्ला? बेटा मैं गारंटी से बोलता हूं, ये बात तू मेरी बीवी के मुंह पे बोल के दिखाता ना, मेरा तो छोड़ वही तुझे फाड़ देती। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर? आसिम की ये जो बात थी, कोई आया था तेरा नल्ला, इस चीज पर आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।